अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं मुरीन और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मजे में होंगे। तो अभी मैं कहा हूं, मैं हूं आज सकलैन के घर से निकल के मैं और एक कजन के घर आ गया हूं, जिनका नाम है दाऊद और उसका भाई मोमिन भैया। तो उन दोनों के घर मैं आज आया हूं, ठीक है। तो बहुत टाइम बाद इधर आए, और आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ, अपने पर्शियन कैट को लेकर, जो बॉब है उसको लेकर मैं इधर आया हूँ। तो बॉब है यहाँ पे, बॉब का सामान मैंने रख दिया है और वो बॉब बैठ गया उधर। तो बॉब को नए घर पे आदत नहीं होती। अब आप लोगों के सवाल होंगे कि बॉब को आपने यहाँ क्यों लाया अपने घर से, उसकी भी एक वजह है, वो वजह आपको जल्दी पता चल जाएगी आने वाले व्लॉग्स में। और उम्मीद है कि आपके व्लॉग्स देखने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर मज़ा आता है तो सब्सक्राइब, अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि 20K की फैमिली हमें बहुत जल्दी बनानी है। और मैं चाहता हूँ कि एक व्लॉगिंग का कल्चर जो कश्मीर में है, वो एक अच्छे नज़रिया से उसको लोग देखें, और हम इस व्लॉगिंग कल्चर को एक बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करें। तो अभी का सीन जो है, मैं इधर हूँ और यहीं से मेरा ननिहाल भी नज़दीक है, तो ननिहाल भी जाएंगे, नाना से मिलेंगे, और देखेंगे कहाँ कहाँ जाना है, वहीं से वापस भी आएंगे। और फिर हमें इसका रीज़न भी आपको जल्दी पता चलेगा कि बॉब को मैंने इधर क्यों रखा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी पहले ननिहाल जाऊँगा, और दाऊद अभी नहीं है यहाँ, वो ट्यूशन गया, तो दाऊद का वेट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, अब हम ननिहाल के रास्ते जाते हैं। अभी जी हम यहाँ से निकल रहे हैं, और आज धूप है अच्छी खासी, मतलब ठीक ठाक धूप है, तो मज़ा आ रहा है। तो फिलहाल अभी हम निकलते हैं, तो अभी हम ननिहाल पहुँचते हैं। और इस कॉलोनी को तो आप पता होगा, ये बेमना में है और मेरा ननिहाल SDA कॉलोनी में है, ये शायद ये भी SDA कॉलोनी ही है। तो अभी हम सीधा पहुँचते हैं पहले ननिहाल, बस वॉकिंग डिस्टेंस में ही है ये। यहाँ से दाऊद का घर है और उस साइड से ननिहाल है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा कि SDA कॉलोनी या बेमना में कौन कौन रहता है, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं ननिहाल की तरफ, तो चले लेट्स गो। जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तब से मैं हर दिन घूम रहा हूँ, घर पे बहुत कम रह रहा हूँ, और उसमें भी मज़ा है घूमने भी, और कंटेंट आपको पसंद भी आता है जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आप लोगों को भी मज़ा आता है वीडियो देखने में। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। हम जी अपनी लोकेशन पर पहुँच गए, और सामने दरवाज़ा है कुछ ही डिस्टेंस पर। ये जी मेरे बैकग्राउंड में है अंजुम ग्राउंड, और आपको नहीं पता ये SDA कॉलोनी में है, और ननिहाल है किधर पे, ये SDA कॉलोनी है, और ये जी हो गया ननिहाल अपना। तो जी अंदर घुसेंगे और नाना से भी मिलेंगे, तो चलो। हेलो मुस्तफा, मैं कौन हूँ? मरीन भाई। वन तो मैं दाऊद दिने घर थ्रू बेचु तू ठीक कत्या फल सास खंड फल तो जी दाऊद आया होगा ट्यूशन से, और अब मैंने उसको बोला ननिहाल इधर ही आना, डायरेक्ट यहीं पर मिलते हैं और यहीं से फिर उसके घर जाएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ इस टाइम बाहर अपना ही घर समझ रहा था। और सर बढ़िया घर बार ठीक बहुत गुड। मैं खुद है सवाल। चलो जी चलो अभी हम जा रहे हैं वापस घर दाऊद के, तो चलो सर। गंदा है कैमरा, सो किया तो बाय बाय ननिहाल, टेक केयर। हाँ चलो अभी हम मौजा यहाँ पे है दाऊद की पर्शियन कैट, अभी हम इसको लेंगे किधर दाऊद वॉश कराने, ओके। तो दाऊद को नहीं मोइजा को लेंगे हम वॉश कराने पूरा,
क्या ट्रीटमेंट और उसके नाखून वाखून आए वो कटवाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। क्योंकि पर्शियन कैट जिसके पास पर्शियन कैट है और जिस जिसको लानी है वो फिर देख सकता है कि पहले हम जूता लगाएंगे, वो फिर देख सकता है कि कैसे पर्शियन कैट को पालना है और इसमें कितनी कितनी चीज़ों का इस्तेमाल वगैरह, कितनी यूज़फुल चीज़ें इसको करनी पड़ती है। तो फिलहाल अभी हम इसको लेते हैं, दे इधर। हेलो मोइजा, ओ इधर बच्चा। हेलो जी दाऊद साहब जी। चले बिस्मिल्लाह। आज हमें दाऊद सुनाएंगे। आमतौर सकलैन हमें गाना सुनाता है, सकलैन की आवाज अच्छी है मगर उससे भी खूबसूरत आवाज हमारे दाऊद साहब की है। अब मैं भी गाऊंगा कुछ गाते हैं। अब जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा। क्या बात है। तेरी जानिब अगर हाय हाय, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। थैंक यू ब्रो, अमेजिंग। दिल को छूती है इसकी आवाज। कोई और गाना, कोई अच्छा सा गाना, कोई अच्छा सा। हाँ, कश्मीरी गाना अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो दाऊद साहब बहुत जबरदस्त गाते हैं। इंशाल्लाह जब हमारी मसेरी बहन की शादी होगी उस दिन दाऊद तो गाएगा ही गाएगा, उस दिन व्लॉग में आपको पता चलेगा। तो दाऊद और एक कश्मीरी गाना कोई अच्छा सा गाने वाले इरफान बिलाल का एक गाना। तो दाऊद स्टार्ट हो जाओ। شام تام پرارا جگتان یاد مشتی جگتان یاد مشتی حسنوک انداز سارا میں پیوان یاد مش مش بچ شام تام پرارا जगतान याद मशती मैं ते प्यो बालिया रस उप मस्त जून हिश छे। हाय हाय, क्या बात है। मैं ते प्यो बालिया रस उप मस्त जून हिश छे सच अल है सच अल है अतस के क्या आफताब सारा मैं पेवान याद मश मश बुझ शाम ताम प्रारा जगत सान याद मशती। बात है, क्या बात है, मजा आ गया, सीरियसली मजा आ गया। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, 20K की फैमिली में मेरा सपोर्ट करें। और मजा आ गया, सीरियसली मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। आप लोगों को भी श्योरली मजा आया होगा। कमेंट्स में बताना कि दाऊद की आवाज, दाऊद की मतलब क्वालिटी क्या हुआ इसकी। और वो होता है ना वो करना, तो वो इससे बहुत अच्छे से होता है, मुझसे नहीं हो पाया। जब मैंने गाया तो आत वॉज गांधी मिच पाए, बट मेरे को ट्राई की सुर तो लगन मगर ये लग नहीं किए क्या मुझे तगान सात गेवन के, बट शौकीन चुस बो बोझ नुक पकान वंकस। तो अभी हम इसको ले रहे हैं, पहले पूरा सफाई वफाई इसकी क्या करनी है वो ले रहे हैं। हाँ जी, तो हम हब्बा कदल पहुंच गए और अभी हम जाएंगे। लॉक कर लिया, किधर गया। हम जी पहुंच गए वेटरनरी के पास और अब कराए। इसका नाम क्या है, म्याकट। तो यहाँ पे म्याकट के पास पहुंच गए। फिलहाल अभी हम लेते हैं मुइज़ा को, क्या है इसका नाम, और आपको भी दिखाएंगे कैसे क्या इसको सफाई कैसे होगी, ठीक है। तो चले जी,
ये जी है मियाकट, और यहाँ आते ही हमें पता चला यहाँ बंद है अभी। अभी हमने अपॉइंटमेंट पकड़ लिया है, तो बस अपॉइंटमेंट पकड़ा क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत होती है। अभी हम जाएंगे कुछ पेट पूजा करने क्योंकि भूख बहुत लग गई। सकाना वजह अला नमिल मुसलमिन हमें, और हमारी पेट फुल हो गई, शुक्र अल्लाह का फुल हो गया, भूख लगी थी बहुत। तो चलो अब गाड़ी में, यहाँ का खाना वाना हो गया। हम जी आए थे BBK टुनाइट, और यहाँ की सर्विस मुझे सही नहीं लगी। बाकी खाना अच्छा था बट सर्विस बकवास थी। तो अभी हम निकलते हैं घर। चले जी दाऊद साहब, बिस्मिल्लाह। आई अल्लाह, हम जी यहीं से थे क्योंकि हम वहाँ से निकले। अब हम सकलैन के शोरूम के पास ही थे, तो सोचा सकलैन के शोरूम में जाए और मिलकर आते। वैसे काली घर से आए बट अभी हमने सोचा कि इससे भी मिले। तो ये जी बैठे हैं साहब जी हमारे। अभी जी हम यहाँ से निकलेंगे। सर आप ठीक है? और बढ़िया, बिल्कुल अच्छे हैं। चलो जी अल्लाह हाफिज, बाय बाय। चलो दाऊद साहब, चलो चलो बाय। कैसा लगा आपको चाय पी के? हमने जी खाया था बहुत कुछ बट फिर हमने सोचा चाय के बगैर मजा नहीं है जिंदगी में, है ना? ये सच बोला। ये होता है वीडियो जो व्लॉगिंग करते हैं, सीधे बोलता घर पे चाय पिलाता, उसकी दुकान पे चाय पीने आना। घंटे के बाद अब हम घर पहुंच गए, और अभी अभी क्या करेंगे? अभी दाऊद हमें अपनी फुटबॉल स्किल्स दिखाता है। चलो दिखाता हूँ दाऊद, शो सम स्किल्स। ओह माय गॉड ब्रो, ये नहीं है कोई स्किल। कम ऑन दाऊद, स्किल्स दिखाओ। चलो जी स्किल्स। ए ब्रो, ओए ब्रो। हम जी पहुंच गए दाऊद के घर वापस। दाऊद है ये, और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है पीछे से, जबरदस्त लग रहा है। और जो जो इसका वो इसका कार्टून है, वो नारुतो एनिमे किसने किसने देखा है तो बताना जरूर कमेंट्स में, किसको पसंद है वो भी बताना। और आज का जो व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। अगर चैनल पे नए सब्सक्राइबर हो तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। तो सपोर्ट करें हमें, 20K की फैमिली बहुत जल्दी बनानी है। मेरी चैनल को बहुत बहुत प्यार दे, और इतना प्यार देने के लिए अभी तक बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और इस चीज़ का आपको सस्पेंस रहेगा कि भाव यहाँ क्यों आया, ठीक है? वो जल्दी आपको पता चलेगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, जज़ाकल्लाह खैर।